हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डीएमआरसी की आंसर की आ चुकी है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे ने जिन्होंने डीएमआरसी का एग्ज़ाम दिया होगा और अपनी आंसर की चेक कर ली होगी। तो अब आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे ये जानने का कि डीएमआरसी की कट ऑफ कितनी जा रही है और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी डिटेल्स भेजी है और बताया है कि उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो आप लोग की जो व्हाट्सएप पर पाई हुई जानकारी और प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ है उसके आधार पर मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा और अपने दोस्तों के साथ आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा। आप में से जो लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके उस पर ऑल पर सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको आसानी से मिलती रहे। बात करें अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो ये जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये इस बार हाई जाने वाली है। हाई क्यों जाने वाली है? क्योंकि ये आप लोग को समझना होगा कि क्योंकि आईटीआई मेंटेनर में जो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन वाले तो भरे ही भरे हैं, साथ में बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने डिप्लोमा करने के बाद आईटीआई किया है। तो याद रखिएगा कि डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी आपके साथ फाइट में हैं। तो जब डिप्लोमा कैंडिडेट्स आईटीआई के साथ फाइट में हैं तो उनकी वजह से कट ऑफ हाई रहनी ऑब्वियस है और ये आपको मानना होगा कि जो इस बार की जो कट ऑफ है वो हाई रहने वाली है। बात करें अगर कितना स्कोर सेफ हो सकता है, तो यूआई कैटेगरी के लिए अगर बताएं तो यूआई कैटेगरी के लिए 80 से 85 मार्क्स के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आपका स्कोर सेफ माना जा सकता है। अगर बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो याद रखिएगा कि ओबीसी का हमारे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है वो ईडब्ल्यूएस से ज़्यादा जाने वाला है और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होगा वो ओबीसी से कम रहेगा। बात करें अगर ओबीसी की, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 78 मार्क्स के आसपास में रहेगा, 78 से 82 के बीच में। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 73 के आसपास में उसका जा सकता है, 73 से 75 के बीच में जा सकता है। बात करें अगर एससी कैंडिडेट्स की, तो एससी कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो 63 से 65 के बीच में रहने का चांसेस है। तो अगर आपका मार्क्स इसके आसपास में आ रहा है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सेफ हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या कहना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप लोग ये भी कमेंट करिए और वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और देखते रहिए इलेक्ट्रिकल विजन।